की थी, आज्ञा फोर्थ क्लास में आती थी, सिर्फ अकेली लड़की थी, छोटी सी, कायरा से थोड़ी बड़ी थी, तब हमने बैच को थोड़ी बड़ी नहीं थी सर उसके बाद बड़ी थी, पंक्ति आई, राज आया और सुबह आया, मतलब हमने सिक्स क्लास में इस बैच को सिर्फ चार बच्चों से शुरू किया था, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ये बैच 22 लोगों तक पहुंच गया, अगले साल सर 30-40 बच्चे हो, तो इसके लिए आप सब लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? ये आपकी आठवें नंबर की बैच है, मतलब इसके पहले सात बैच जा चुकी है, बहुत सारे लोग जॉब पे भी लग चुके हैं, कहीं अलग अलग स्टेट में काम भी कर रहे हैं, बराबर। तो ये आपकी एट नंबर की बैच है, तो ये मेरे लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। नेक्स्ट कि सक्सेस होना बहुत बड़ी बात होती है, बट सक्सेस एक आदमी नहीं होता है, उसके पीछे पूरी फैमिली और सब लोग होते हैं, बराबर। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो डिलाइट स्टार्ट नहीं होती, ना ही मेरा पैशन और प्रोफेशन बनता, बराबर। तो मैं इसका जो क्रेडिट है वो मेरी फैमिली को, मेरे मॉम डैड को, मेरी वाइफ को देना चाहूंगा, और मैं मेरे मदर और फादर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ। तो मेरे मदर और फादर बनासकांठा से बिलोंग करते हैं, मम्मी राजस्थान की है, पापा गुजरात से हैं, और मम्मी और पापा के बीच में सिर्फ एक बॉर्डर आती है, एक रिवर आती है, रिवर एक बॉर्डर आती है। तो पापा वहां से इधर आए, बहुत स्ट्रगल किया, घर का अपना खुद का घर भी नहीं था, खुद की दुकान भी नहीं थी, फिर भी हर चीज को टैकल करके एक नई सिटी में आकर हर हडल को कवर करके क्रॉस करके हम चार भाई बहन को पढ़ाया, वो भी इंग्लिश मीडियम में, और हमें एक अच्छा काबिल इंसान बनाया, ठीक है। सक्सेस तो अभी बहुत दूर है, बट यहाँ तक पहुंच गए बहुत बड़ी बात है। मेरा जो बड़ा भाई है वो गवर्नमेंट टीचर है, दोनों बहनें मैरिज होकर उनके घर में भी अच्छे तरीके से सेटल है, मैं हूँ वो यहाँ पे, ठीक है, जो हर तरीके से काम कर रहा हूँ। अब दोनों ने यहाँ पे आकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमको इस लेवल पे लाने के लिए मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगा, उनका रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। तो जिन जिन लोगों को गोल्ड मेडल मिला है वो दो गर्ल्स पहले आ जाए, जो मेरी मम्मी का और पापा का सम्मान करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने गोल्ड मेडल मेडल रिसीव किया है वो दो गर्ल्स असीम और राही दोनों आए और साल से मेरी मम्मी का सम्मान करें। फोटो राही आजा, तुम हाथ रखो, फोटो ले, उठ रे मैडम को दे दो, पास करो, पास में राइट क्लैप। अब मैं चाहूंगा कि बॉयज में जिन्होंने जिनको मेडल मिला है वो लोग आगे आ जाएं, गर्ल्स अंदर चले जाओ, गर्ल्स अंदर चले जाओ, जाओ एक मिनट, मानव गर्लिंग जाओ, आज्ञा कवर होना चाहिए, और सब सब तू देख पहले कैमरा अल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि मानव जिसने 80 में से 80 मार्क्स लिए हैं रिवॉर्ड के अंदर, और आयुष जिसने 80 में से 80 मार्क्स लिए हैं मैथ्स के अंदर रिवॉर्ड के अंदर, मैं चाहता हूं कि दोनों बच्चे आगे आए और मेरे डैडी का सम्मान करें। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, मेरे मॉम डैड के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और कम वक्त पे मिलता है, ठीक है। तो
मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो। और इनकी अभी एक छोटी सी विश है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी पोएम लिखी है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आना जाना छोड़ चुके हम अपनों से रिश्ता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके हम अपनों से रिश्ता तोड़ चुके, दिल पे पत्थर रखकर हम घर से मुंह मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गवाने को, फिर भी हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, नैन में माँ के बसता सपना मैं भी काबिल बन जाऊं, नैन में माँ के बसता सपना मैं भी काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बुढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं, बाप से मेरा चला ना जाता फिर भी काम पे जाता है, बाप से मेरा चला ना जाता फिर भी काम पे जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को वो रोज कमा कर लाता है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से वो मुझसे ज्यादा रोते हैं। ई एम आर एस के अंदर जब मैं 0.5 मार्क्स से रह गया तो बहुत बड़ी मुश्किल मेरे लिए और इनके लिए खड़ी हुई थी। पता है सबको, पता है रब को, मेहनत मेरे में कमी नहीं, पता है सबको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, वो जीवन ही जीवन क्या जिसमें किस्मत की ठनी नहीं। माना जीवन है कठिन परीक्षा, माना जीवन है कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, माना जीवन है कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है, सब्र का मैया बांध न टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं गवर्नमेंट जॉब लेके लौटूंगा। चलिए अब इसके आगे का प्रोग्राम रहेगा, जिन जिन लोगों ने गोल्ड मेडल रिसीव किए हैं उनको मेरे मॉम और डैड के हाथ से गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो मैं दो गर्ल्स को बुलाना चाहूंगा, असीम, असीम जिसने सचानंद ग्लोबल स्कूल के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ये अपने लिए और उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी गोल्डन चांस और गोल्डन मोमेंट बन गई उसके लिए। तो मैं चाहता हूं कि असीम आए और यहां से गोल्ड मेडल रिसीव करें। रक्षित वहां से एक मेडल શાંતિ રાખ ને ભાઈ, આજે તારા ઝઘડો કરવો છે, क्लैप करो।